मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरुदेवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और ऐसा रोज का पंचांग किसी ज्योतिष के माध्यम से अगर आप सुनते हैं तो नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन हम इसके लिए पूरी तरह से अंदर बाहर से शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। हमारे घर के सभी सदस्यों की शुद्धि होनी चाहिए दोस्तों। हमारा धर्माचरण जो है वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार हमारी वास्तु होनी चाहिए, हमारा गॉड हाउस होना चाहिए, हमारे गॉड्स होने चाहिए मंदिर में के, तो तब जाकर के हम इसके लायक या पात्र बन जाते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूं। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का, आज शनिचर है दोस्तों, तारीख 10 जून 2023, शलिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों सप्तमी तिथि है। दोपहर 2:02 के बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी। नक्षत्र दोस्तों शतार का नक्षत्र है। दोपहर 3:39 के बाद पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र आरंभ होगा दोस्तों। योग दोस्तों निष्कंभ योग है। 12:49 के बाद प्रीति योग आरंभ होगा दोस्तों। करण दोस्तों बहु करण है आज का। दोपहर 2:02 के बाद बालव करण और मध्य रात्रि 1:01 के बाद कौलव करण आरंभ होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज वृषभ राशि में होंगे, चांद कुंभ राशि में, बृहस्पति मेष राशि में और शनिदेव अपने ही कुंभ राशि में होंगे। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस प्रकार है। आगमन जो है वो सुबह 6:02 पर होगा और निगमन जो है रात को 7:14 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार से हम आज की पूजा का संकल्प छोड़ते हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत या एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले ले और ये छोटा सा संकल्प है ये बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो रात्न प्रवर्त मानस सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंत्रे कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शके शक जो है 1945 प्रभावादि षष्ठी सवत्सरों में शोभन नाम सवत्सर उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्षे शनिचर वासरे शतारका नक्षत्रे निष्कंभ योगे बहु करने सप्तमी शुभ तिथौ मनु गोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोह पात दुरितक्षय द्वारा से पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करे से। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अभी आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 12:49 तक है। इस समय के बाद अगर आपको मुहूर्त कोई धार्मिक विधि के लिए कोई संकल्प छोड़ना है दोस्तों, तो आपको ऊपर वाली पंचांग का आधार लेना होगा, सहारा लेना होगा, ताकि उसमें सभी बदलते हुए पंचांग के समय दिए गए हुए और ये बदलता हुआ पंचांग आप अपने संकल्प में आपको लाना है। अगर नहीं लाएंगे तो आपका संकल्प गलत हो जाएगा और पूजा का फल आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए पंचांग जो ऊपर का है उसका सहारा आप ले दोस्तों। दोस्तों, अभी धार्मिक विधियों के मुहूर्त के बारे में हम बोलेंगे। सबसे पहले सगाई तथा मंगनी के लिए तारे मुहूर्त है दोस्तों, तारीख 11, 12, 13 और 14। गोद भराई के लिए अभी कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। नामकरण के लिए तारीख 10, 12 और 14।
ये मुहूर्त है मुंडन या चूड़ाकर्म के मुहूर्त तारीख 14 एक ही मुहूर्त है दोस्तों। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त है तारीख 10, 12 और 14। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त है दोस्तों, इसके लिए कोई मुहूर्त अभी नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह के लिए जो मुहूर्त है तारीख 11, 12, 13 और 14। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 10, 12 और 14। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 14 और 15। देव मूर्ति की प्राचीन प्रतिष्ठा आपको करनी है किसी भी देवी देवताओं की, तो इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं दो मुहूर्त है तारीख 12 और तारीख 14। दोस्तों इन मुहूर्तों में दिए गए कुछ मुहूर्तों में समय की पाबंदी हो सकती है, मतलब समय जो है इतना बजे तक ही या इसके ये बजने के बाद, ऐसा समय की पाबंदी है। तो इसे जानकर ही आप अपने लिए मुहूर्त चयन करें ताकि आपको परेशानी न हो उस पूरी पूजा विधि में। किसी पंचांगधारी से या ज्योतिषी से या किसी पंडित के माध्यम से आप ये जान सकते हैं या मुझे भी आप फोन करके पूछ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इन मुहूर्तों के अलावा अपने तरीके से या अज्ञान की वजह से अपने सुख के खातिर या एडजस्टमेंट के खातिर या अपने धर्मोद्देश खातिर खुद होके किसी पंडित के सहारे मुहूर्त ना निकाले या किसी पंडित को अपने हिसाब से मुहूर्त निकालने के लिए मजबूर भी ना करें दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दिए गए इन मुहूर्तों के अलावा और भी कुछ मुहूर्त आज के दिए गए हैं, गौन काल या आपातकाल, चातुर्मास काल या कुछ ग्रहों का अस्त काल, इनका भी आप चयन ना करें क्योंकि यह मुहूर्त आम जनता के लिए नहीं होते, इमरजेंसी लोगों के लिए होते हैं। जैसे कि किसी को विदेश जाना होता है या परलोक जाने वाले की इच्छा पूर्ति के लिए या किसी दुल्हा दुल्हन को जबरदस्ती से रिश्ते में बांधने के लिए होते हैं। दोस्तों इस इमरजेंसी मुहूर्त काल में संपन्न होने वाले धार्मिक विधि से हम कितना खुश हो पाएंगे, कुछ कहा नहीं जाएगा दोस्तों। इन मुहूर्तों में कुछ कमी की वजह से उठे हमारे दोष बनने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम पंचांग में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो जानेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों पंचांग शुद्धि का स्पष्टीकरण है। दोस्तों पंचांग शुद्धि आज का बहुत ही अच्छा दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। दिन विशेष जो है दोस्तों कालाष्टमी आज है। अगर आप काल भैरव देवता के भक्त है या आप उनकी सेवा करते हैं या आपको हर दिन आप कालाष्टमी कालाष्टक पढ़ते हैं विधि से, तो आज और हर दिन अगर हवन भी करते हैं तो आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों क्योंकि आप हर दिन करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं और उनके करने की इच्छा है तो महीने में एक बार ये कालाष्टमी जो आती है वो कालाष्टमी आपको काल भैरवाष्टक का पठन और हवन करना है दोस्तों, ताकि देवता की कृपा आप पर हो जाए, आपका कोई भी किसी भी प्रकार का भय जो है वो भय नष्ट हो जाए इस देवता की आशीर्वाद से दोस्तों। अष्टमी श्राद्ध कर्म है, जो पूर्वज हमारे पूर्वज अगर इस तिथि में हमें छोड़कर निकल गए हैं परलोक में, तो अपना कर्तव्य बनता है कि हम उनके नाम से पंडित के माध्यम से अपने ही घर पर अपराह्न काल में श्राद्ध कर्म करें, विधिवत श्राद्ध कर्म। ये विधिवत श्राद्ध कर्म आप पिंडदान युक्त अगर करते हैं तो आपको आपके पितर जो है वो आशीर्वाद देंगे, आपका जीवन सुखमय और शांतिमय होगा दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो शत प्रतिशत जल्द फलदायी होती है क्योंकि हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचार से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स करना ना भूले दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन दबाएं अवश्य, और धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंद दे रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम, शिव शंभु।